हेलो एवरीवन, हमारे चैनल डाइव टू लर्न में आपका स्वागत करता हूं। मैं हरदेव सिंह आज आपके सामने लेके आया हूं टॉपिक पार्ट टू फ्रॉम द डिडक्शंस फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द असेसी। तो जैसे कि पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर हमने कुछ डिडक्शन देखी थी अप टू सेक्शन 80D। तो आज हम पार्ट टू के अंदर जो बाकी पेंडिंग डिडक्शंस थी इन द रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स, वी विल डिस्कस ऑल दीज डिडक्शंस। तो आज हम पार्ट टू के अंदर ये डिडक्शन देखने जा रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप इसको प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द रेस्ट पार्ट ऑफ द डिडक्शंस। सो फर्स्ट वन, आफ्टर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, द नेक्स्ट डिडक्शन इज डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट दैट इज़ अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो इसके अंदर 80DD सेक्शन के अंदर वो डिडक्शन आएगी अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है डिपेंडेंट का। यहाँ पर डिपेंडेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट मीन टू से हु डिपेंड ऑन द पेरेंट्स हु डिपेंड ऑन अदर्स। मतलब जैसे एक किसी का कोई छोटा बच्चा है जो कि अभी खुद इनकम नहीं ले रहा या उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अभी वो डिपेंड है अपने पेरेंट्स के ऊपर, या फिर सम टाइम वाइफ ऑल्सो डिपेंड ऑन द हस्बैंड। सो डिपेंडेंट मीन टू से हु डिपेंड ऑन द अदर। सो ये डिडक्शन मिलेगी इफ़ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर किसी डिपेंडेंट की मेंटेनेंस की जा रही है और मेडिकल ट्रीटमेंट भी आ जाएगा, दैट पर्सन विद डिसेबिलिटी। और साथ में ये भी बात को ध्यान में रखना होगा कि वो पर्सन डिसेबल होगा, डिसेबल मीन टू से उसकी किसी ना किसी तरह की कोई डिसेबिलिटी होगी। सो उस केस में डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80DD। सो एलिजिबल असेसी द डिडक्शन इज अलाउड टू इंडिविजुअल एज वेल एज टू द HUF इन इंडिया एट द रेट ऑफ डिडक्शन। द असेसी शैल बी अलाउड अ फिक्स डिडक्शन ऑफ सम ऑफ ₹75,000 फ्रॉम हिज ग्रॉस टोटल इनकम। तो अगर कोई पर्सन इस तरह से किसी डिपेंडेंट का कोई मेडिकल खर्चा कर रहा है, मीन टू से मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहा है किसी भी इस तरह के डिपेंडेंट पर्सन का जो कि डिसेबल और विद डिसेबिलिटी या डिसेबल पर्सन है, तो उस केस में 75,000 का वो पर्सन डिडक्शन ले पाएगा। मान लीजिए उसने जो ट्रीटमेंट करवाया है डिपेंडेंट का, द अमाउंट इंकर्ड बाय द पर्सन फॉर द ट्रीटमेंट दैट इज़ ₹1,00,000, बट द लिमिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इज 75,000 ऑफ सेक्शन 80DD। सो इट मीन्स पर्सन कैन क्लेम द डिडक्शन ओनली अप टू ₹75,000। एंड वेयर सच डिपेंडेंट पर्सन विद द सर्व डिसेबिलिटी, सर्व डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, 50% से भी ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर 1,25,000 की डिडक्शन मिलेगी इन द केस ऑफ पर्सन विद सर्व डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है तो उस केस में ये डिडक्शन होगी, अगर डिसेबिलिटी ज़्यादा नहीं है तो उस केस में 75,000 की डिडक्शन होगी अंडर सेक्शन 80DD। तो ये आपको याद रखना होगा 75,000 एंड 1,25,000, लेकिन 1,25,000 है वन देर इज़ अ सर्व डिसे When there is a सर्व disability, then deduction will be allowed. अगर जो dependent person है वो disable भी है तो उस केस में 125,000 है। अगर सिर्फ dependent person का medical treatment हो रहा है without disability, then 75,000 deduction given from the gross total income of the assessee. Conditions क्या है इस deduction को लेने के लिए? Any expenditure for the medical treatment, nursing भी इसके अंदर आ जाएगी, including the nursing charges of dependent being the person with disability, या फिर पेड और डिपॉजिट एनी अमाउंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर डिपेंडेंट पर्सन की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो कि डिसेबल है कोई खर्चा दिया जा रहा है, तो उस केस में 80DD के अंडर डिडक्शन मिलती है। साथ में अगर कोई अमाउंट ऐसे डिपॉजिट की जा रही है फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब होता है डिपेंडेंट पर्सन को रखने के लिए, साम संभाल के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए कोई खर्चा हो रहा है और डिसेबल है वो पर्सन, देन डिडक्शन गिवन अंडर सेक्शन 80DD। नेक्स्ट वन इज डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ 80DD। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 80DD के अंदर डिडक्शन मिल रही है। कब मिल रही है 80DD के अंदर डिडक्शन? एलिजिबल असेसी कौन सा है? दिस डिडक्शन इज़ अलाउड टू एन इंडिविजुअल और HUF हु इज़ अ रेजिडेंट इन इंडिया ओनली। तो ये डिडक्शन मिलेगी सिर्फ रेजिडेंट को, इंडियन एज वेल एज HUF एज वेल एज इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, और डिडक्शन मिलेगी फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट पर्पस, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है तो उस केस में। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा 80D थी जो हमने सबसे पहले देखी थी लास्ट वाले वीडियो के अंदर,
80D से शुरू करना, डी को इस तरह से याद करना, 80D के अंदर मिलती है। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है तो 80D के अंदर थी। 80DD के अंडर मिल रही है अगर किसी पर्सन का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है एंड दैट पर्सन इज़ अ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। वो पर्सन डिपेंडेंट भी है, मीन टू से डिपेंड है अपने पेरेंट्स के ऊपर, डिपेंड है किसी के ऊपर, और साथ में उसकी डिसेबिलिटी भी है, वो पर्सन डिसेबल है, हैंडीकैप्ड है, उस केस में मिलेगी। 80DD के अंडर डिडक्शन मिलेगी इन द केस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। यहाँ पर डिसेबिलिटी और डिपेंडेंट की बात नहीं की जा रही। कंडीशंस क्या है, द सेसी हैज़ एक्चुअली पेड एनी अमाउंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सच डिसीज़ और एलिमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रूल्स में। तो या तो एक्चुअल में पे कर रहा है या फिर किसी और वे से कोई डिसीज़ के लिए, तो स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज़ के लिए हो रही है। बेसिकली इसमें जो आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड नोट करना होगा वो ये है कि अगर असेसी पे कर रहा है फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पेमेंट हो रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है किसी डिसीज़ के लिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उस केस में एंड द एक्सपेंडिचर मस्ट बी इंकर्ड फॉर हिमसेल्फ और अ डिपेंडेंट। जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो या तो उसने खुद किया हो या फिर हो सकता है कि जिसके ऊपर वो डिपेंड है उन्होंने किया हो, मीन टू से कि सॉरी जो उसके ऊपर डिपेंड है उनके लिए पेमेंट किया हो, या उसने खुद अपने के लिए किया हो पेमेंट। इन द केस ऑफ सेसी इज एन इंडिविजुअल, द एक्सपेंडिचर मे बी इंकर्ड फॉर अ मेंबर ऑफ HUF इन द केस ऑफ HUF असेसी। तो यहाँ ये भी हो सकता है मेंबर है जो HUF के, उनके लिए जो हेड है उसने खर्चा किया हो, या हम यूँ बोले कि HUF ने खर्चा किया है अपने मेंबर्स के लिए उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, रेदर देन HUF कैन क्लेम द रिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। तो एक बार मैं इसके आपको की नोट्स दोबारा बता देता हूँ। पहली बात आपको याद रखनी होगी, 80DD डिडक्शन कैन क्लेम बाय द इंडियन रेजिडेंट इंडिविजुअल एज वेल एज द HUF विच कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया ओनली। एंड कंडीशन क्या है, जो असेसी होगा मिंटू से इंडिविजुअल और HUF मस्ट पेड अमाउंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। कुछ डिसीजेज हैं वो हम देखेंगे आगे जाके, उन डिसीजेज के ट्रीटमेंट के लिए अगर आपने लिया है मेडिकल ट्रीटमेंट देन यू कैन क्लेम द रिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। एंड मोर ओवर जो पेमेंट करनी है वो हो सकता है कि अपनी लाइफ के अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पे कर रहा हो एज वेल एज पेमेंट फॉर द डिपेंडेंट, मीन टू से हिज और हर स्पाउस, अपने स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए और वाइफ के लिए कर रहा हो, रेदर देन बी क्लेम द रिडक्शन बच्चों के अंदर आ जाएगा सिर्फ डिपेंडेंट चिल्ड्रंस। एज वेल एज इन द केस ऑफ HUF एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय द HUF फॉर द मेंबर, सो रेदर देन HUF कैन क्लेम द रिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। तो दिस वन इज अ DB। तो इसके आप लिमिट देख लेते हैं, हम रेट कितना है, लिमिट कितनी है। फॉर द नॉन सीनियर पेशेंट, हियर नॉन सीनियर मीन टू से हुज एज लेस देन 60 ईयर्स, जिसकी उम्र 60 ईयर से कम होगी उसको हम बोलेंगे नॉन सीनियर पेशेंट। इन द केस ऑफ एज ऑफ द पेशेंट लेस देन 60 ईयर्स देन द अमाउंट एक्चुअली इंकर्ड और अ सम ऑफ ₹40,000 विच एवर इज लेस बी प्रोवाइडेड एज अ डिडक्शन टू द असेसी। तो मान लीजिए एक्चुअल जो बिल बना है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है डिजीज़ का, तो बिल बना है उस पर्सन का 60,000, लेकिन डिडक्शन लिमिट कितनी है 40,000। इट मीन्स पर्सन कैन क्लेम ओनली अप टू ₹40,000, नॉट मोर देन दैट। और फॉर अ सीनियर पेशेंट, अगर कोई सीनियर पेशेंट है, सीनियर पेशेंट का मतलब होता है हुज एज मोर देन 60 ईयर्स, दैट पर्सन कैन क्लेम एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड और 1 लाख विच एवर इज लेस। तो उस केस में 1 लाख हो जाएगी लिमिट बढ़ के 40,000 से, और एक्चुअल इंकर्ड विच एवर इज लेस। डिडक्शन फॉर नोटिफाइड डिसीजेस कवर्ड अंडर सेक्शन 80DD। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि सिर्फ उन्हीं डिसीजेज़ के ट्रीटमेंट के लिए आपको डिडक्शन मिलती है जो नोटिफाइड हैं इस सेक्शन के अंडर, और वो नोटिफाइड डिसीज़ जो है वो ऑफिशियल गजट के अंदर दे रखी है। आप वो नोटिफाइड डिसीज़ के नाम याद कर लेना, वैसे उसके नाम याद करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बिकॉज़ ये हमारा टॉपिक इनकम टैक्स का है, मेडिकल लाइन का नहीं है। फिर भी आप 2-4 डिसीज़, जैसे कि एक HIV आ जाती है उसमें, इसके अलावा उसके अंदर कैंसर डिसीज़ आ जाती है, तो इस तरह की आप 2-4 डिसीज़ के नाम याद रख सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अदरवाइज़ आपको यही याद रखना होगा कि जितनी भी डिसीज़ जो अंडर सेक्शन 80DD और अंडर ऑफिशियल गजट नोटिफाइड है, वो सभी के लिए, उस सभी के ट्रीटमेंट के लिए डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80DD। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन, डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द स्टडीज़ पर्पस। सो अगर किसी ने हायर स्टडी पर्पस के लिए लोन लिया है, अब उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80E। तो याद रखना होगा, लोन लिया है, द पर्पस ऑफ द लोन टेकन इज़ स्टडी, हायर स्टडी,
एंड इंटरेस्ट पेड ऑन दैट लोन अमाउंट विद इन अ ईयर बी प्रोवाइडेड एज अ डिडक्शन टू द असेसी अंडर सेक्शन 80E. सो हु इज़ द एलिजिबल असेसी? ओनली इंडिविजुअल असेसी कैन क्लेम दिस डिडक्शन. HUF और अदर असेसीज कैन नॉट क्लेम दिस डिडक्शन. कंडीशन फॉर द डिडक्शन, असेसी हैज़ टेकन अ लोन टू परस्यू द हायर एजुकेशन. तो याद रखना होगा, हायर एजुकेशन मीन टू से आफ्टर 10+2 के बाद की अगर आप एजुकेशन लेने के लिए जा रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी. हो सकता है कि लोन असेसी ने अपने लिए लिया हो, फॉर हिज ओन एज वेल एज फॉर द स्पाउस, मीन टू से फॉर वाइफ एज वेल एज फॉर हिज और हर डिपेंडेंट चिल्ड्रन. लोन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन. लोन जिस इंस्टीट्यूशन से लेना है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, मीन टू से कि वो रजिस्टर हो प्रॉपर, तो उसी से ही लोन आप ले सकते हैं. नॉन रजिस्टर जो है वो लोन आप नहीं चलेगा. अनसिक्योर्ड लोन इसके अंदर कवर नहीं होंगे. असेसी हैज़ पेड इंटरेस्ट ऑन सच लोन, और असेसी ने उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना है. ये नहीं है कि अगर आपको किसी ने फ्री ऑफ इंटरेस्ट बिना ब्याज के एजुकेशन लोन दिया है तो फिर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ही वो फैक्टर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर क्लेमिंग द रिडक्शन अंडर सेक्शन 80E. असेसी हैज़ पेड इंटरेस्ट आउट ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो कंडीशन. असेसी जो टैक्स दे रहा है, सॉरी इंटरेस्ट दे रहा है, वो अपनी टैक्सेबल इनकम में से दे रहा है. ये नहीं है कि असेसी जो है वो खुद स्टडी करता जा रहा है और जो टैक्स है वो कोई और पे कर रहा है. ऐसे ही नहीं होगा. इंटरेस्ट कोई और पे नहीं करेगा, इंटरेस्ट भी उसकी खुद की इनकम से ही जाना ज़रूरी है फॉर क्लेमिंग द डिडक्शन. तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंडीशन जो याद रखने वाली होंगी 80E के अंदर, एक तो लोन लेना है आपने हायर एजुकेशन के लिए, हायर मीन टू से आफ्टर 10+2. दूसरा है, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं आप एनुअली, उसका वो इंटरेस्ट का ही आपको मिलेगा डिडक्शन, एज वेल एज़ जो लोन लेना है किसी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, और जो आपने लोन लिया हुआ है उसका इंटरेस्ट जो पे किया जा रहा है वो असेसी की टैक्सेबल इनकम में से ही जाएगा. एंड ओनली इंडिविजुअल असेसी कैन क्लेम दिस डिडक्शन. HUF नॉट अलाउड टू क्लेम द डिडक्शन. नेक्स्ट वन इज़ सेक्शन 80EE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. सो इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन. तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, अंडर सेक्शन 80C आप जानते हैं कि होम लोन अगर आपने ले रखा है, एनी अमाउंट रीपे ओनली प्रिंसिपल अमाउंट विद इन अ ईयर, असेसी कैन क्लेम दिस रीपेमेंट ऑफ होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. तो जो रीपेमेंट आपने की है प्रिंसिपल अमाउंट की, वो असेसी ले सकता था एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इंटरेस्ट पेड ऑन द होम लोन, जो होम लोन के ऊपर ब्याज दिया है, दैट इंटरेस्ट अमाउंट ऑल्सो भी क्लेम बाय द असेसी एज अ डिडक्शन. वो भी असेसी ले सकता है एज अ डिडक्शन. सो 80EE के अंदर देखते हैं, अलाउ इनकम टैक्स टू बेनिफिट ऑन द इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लोन अवेल्ड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. किसी भी अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकता है. देन असेसी कैन क्लेम द डिडक्शन अप टू ₹50,000 पर फाइनेंशियल ईयर. एक साल के अंदर 50,000 की डिडक्शन ली जा सकती है. तो सेक्शन याद रखना होगा 80EE फॉर द इंटरेस्ट ऑन होम लोन. तो जो आपने होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट दिया है उसकी डिडक्शन. नेक्स्ट वन इज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G फॉर डोनेशन. अंडर सेक्शन 80G डिडक्शन गिवन फॉर डोनेशन. हेयर डोनेशन मीन टू से डोनेट द मनी टू एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज नंबर ऑफ फंड्स विच आर टू बी मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, लाइक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी राजीव गांधी मेमोरियल फाउंडेशन. सो इफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन काइंड ऑफ ऑल सच काइंड ऑफ फंड्स एज वेल एज फॉर द गुरुद्वारा मंदिर एंड अदर रिलीजियस प्लेस डिवेलपमेंट, इफ एनी अमाउंट गिवन बाय द असेसी बी असेसी कैन क्लेम द रिडक्शन बट ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रूफ्स. और प्रूफ्स का मतलब है कि उसके पास वैलिड जो दान किया है डोनेशन दिया उसका एक वैलिड प्रूफ होगा इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइस, देन असेसी कैन क्लेम द डिडक्शन. एंड दिस डिडक्शन बी क्लेम्ड बाय द टैक्स पेयर इंडिविजुअल कंपनी फर्म और एनी अदर पर्सन. तो इसमें याद रखना होगा ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी, इंडिविजुअल कंपनी हो फर्म हो चाहे कोई भी AOP BOI कोई भी होगी, ऑल दोज असेसीज कैन क्लेम दिस डिडक्शन. तो इस डिडक्शन के मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इन ब्रीफ कि कौन कौन से फंड हैं एज वेल एज कितनी कितनी मिलेगी. ये चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं अंडर सेक्शन 80G विद क्वालिफाई लिमिट विदाउट क्वालिफाई लिमिट. विद लिमिट का मतलब है डिडक्शन मिलेगी लेकिन अप टू सम लिमिट. तो देखिए 100% डिडक्शन इफ डोनेशन टू द गवर्नमेंट फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर गवर्नमेंट को दी जा रही है किसी भी तरह से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और एनी अदर एसोसिएशन प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स,
अगर किसी स्पोर्ट एक्टिविटी को प्रमोट करने वाली एसोसिएशन को जा रही है तो भी 100% डिडक्शन मिलेगी। 50% डिडक्शन इन डोनेशन का मतलब है कि अगर आपने सपोज 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो डिडक्शन सिर्फ 2,500 की ही मिलेगी, हाफ मिलेगी। इफ़ एनी डोनेशन मेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट गवर्नमेंट फॉर द चैरिटेबल पर्पस, डोनेशन टू द अथॉरिटी ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट लाइक नोटिफाइड टेम्पल मॉस्क्यूज चर्च, ऐसे कोई दे रहे हैं, कॉरपोरेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रमोटिंग इंटरेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी, सो इन द ऑल दीज केसेज डिडक्शन विल बी गिवन ओनली अप टू 50% क्वालिफाई लिमिट। सो क्वालिफाई लिमिट कितनी है, डोनेशन कैन नॉट बी मोर देन द 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। देखो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो लिमिट कितनी है कि आपने एडजस्टेड GTI का 10% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करना, वो आपको डोनेशन नहीं मिलेगी। मान लीजिए किसी की ग्रोस टोटल इनकम, एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम निकल के आई है 5,00,000, अब 5,00,000 का 10% बनता है 50,000, इट मीन्स 50,000 से ज़्यादा रिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसमें आपको कैलकुलेशन करनी सिखा देता हूँ। अगर 100% वाले में ये अप्लाई हो रहा है क्वालिफाई लिमिट, तो मान लीजिए आपने 5,00,000 रुपये आपकी GTI निकली है, उसका हमने सबसे पहले 100% किया, हमने मान लेते हैं हमने डोनेशन दी थी 50,000, तो आपको पूरी 50,000 मिलेगी बिकॉज 100% इज़ अ क्वालिफाई लिमिट। बट अगर आपने 10% करके देखा तो भी 50 बन रहा है, लेकिन अगर 10% करने से मान लीजिए 60,000 बन रहा है, मान लेते हैं GTI 6,00,000 थी, तो इस केस में सिर्फ 50,000 ही वो एज अ रिडक्शन क्लेम कर पाएगा बिकॉज देर इज़ लिमिट, 10% एडजस्टेड GTI लिमिट है, तो उसको ध्यान में रखना होगा आपको। एंड इन द केस ऑफ 50% डिडक्शन का अगर केस होगा तो उस केस में 50,000 का सिर्फ आपको 25,000 ही अलाउ होगा एज अ डिडक्शन, क्योंकि हाफ मिलेगी। एंड नेक्स्ट वन इज़ विदाउट क्वालिफाई लिमिट, इसके अंदर कोई क्वालिफाई लिमिट नहीं है, सारी की सारी डिडक्शन मिलेगी। सो देखिए PM नेशनल रिलीफ फंड, नेशनल डिफेंस फंड, PM आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, तो इस तरह से बहुत सारे फंड्स हैं, आप इनको देख लेना एक बार। तो अगर इन फंड में किसी फंड में भी पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा एंड यू हैव द प्रॉपर प्रूफ्स, देन यू कैन क्लेम द 100% डिडक्शन विदाउट एनी क्वालिफाई लिमिट। एंड 50% डिडक्शन फॉर द जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, प्राइम मिनिस्टर डॉटली फंड, इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू पता है आपको PM थे, प्राइम मिनिस्टर, अब जवाहरलाल नेहरू PM थे इसलिए प्राइम मिनिस्टर डॉटली फंड याद कर सकते हैं, इंदिरा गांधी भी रह चुके हैं तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी हो जाएगा याद, PM और जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा याद। ये जो चार फंड है इनके ऊपर ओनली 50% बट विदाउट क्वालिफाई लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 50% डिडक्शन ही अलाउड होगी जितना आपने टोटल इन्वेस्ट किया होगा इन फंड्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 80GGA अलाउ डिडक्शन फॉर द डोनेशन मेड टूवर्ड्स द साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। तो अंडर सेक्शन 80GGA के अंदर डिडक्शन मिलेगी अगर कोई डोनेशन की जा रही है फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पस एज वेल एज फॉर द रूरल डेवलपमेंट पर्पस। दिस डिडक्शन इज अलाउड टू असेसी एक्सपेक्ट दोज हु हैव द इनकम और लॉस फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करूँ क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है ये डिडक्शन अलाउड होगी टू द असेसी लेकिन उनको छोड़ के हु हैविंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इट मीन्स इंडिविजुअल को तो मिलेगी लेकिन उस इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी हु हैविंग द बिजनेस, जिसका बिजनेस है, इट मीन्स या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा और या फिर वो सैलरी क्लास पर्सन होगा, देन कैन क्लेम द रिडक्शन। मोड ऑफ पेमेंट, डोनेशन कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ चेक और बाय ड्राफ्ट और इन कैश, हाउएवर द कैश डोनेशन एक्सेस 10,000 आर नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। तो अगर कैश में आपने ये डोनेट किया है पैसा तो 10,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी। सो 100% अमाउंट इज़ टू बी एलिजिबल, लेकिन कैश के केस में आपको याद रखना होगा अगर 10,000 से ज़्यादा पेमेंट है देन मिलेगी ओनली अप टू ₹10,000। नेक्स्ट वन इज़ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विच प्रोवाइड टैक्स डिडक्शन फैसिलिटेट टू द इंडियन कंपनीज ऑन द डोनेशन मेड टू द रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़। देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, इंडियन कंपनीज़ को ही है वो इन्वेस्ट कर रही हैं, कोई भी इंडिया की कंपनी डोनेट कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, देन डिडक्शन गिवन अंडर सेक्शन 80GGB एनी अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द पोलिटिकल पार्टी कैन बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। लेकिन इसमें भी याद रखने वाली बात होगी कि आप डिडक्शन इस तरह का जो डोनेशन है कैश में नहीं कर सकते, आपको चेक या बैंक के थ्रू पेमेंट देना होगा अगर किसी पोलिटिकल पार्टी को पे करना है फॉर डिडक्शन पर्पज़। सो असेसी को पेमेंट देना होगा थ्रू द बैंक
थ्रू द चेक और एनी अदर मेथड लाइक नेट बैंकिंग, RTGS और नेफ्ट। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 80GGC, डिडक्शन फॉर डोनेशन टू द पोलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल्स। यहाँ पर देखिए, जो डिडक्शन करने वाला पर्सन है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई कंपनी की बात नहीं हो रही। सो डिडक्शन कैन नॉट बी क्लेम बाय द लोकल अथॉरिटी और इवन द आर्टिफिशियल जुडिशली पर्सन विच इज़ आइदर होली और पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात होगी, डिडक्शन सभी को मिलेगी, इंडिविजुअल्स को मिलेगी, कंपनीज को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट बॉडी जिसको गवर्नमेंट के द्वारा एड मिल रही है, फंड मिल रहा है, उनके द्वारा ये इन्वेस्टमेंट डोनेशन नहीं की जा सकती। अगर की भी है तो उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये डिडक्शन मिलेगी इफ़ इंडिविजुअल इन्वेस्ट द मनी और इंडिविजुअल सॉरी डोनेट द मनी टू द पॉलिटिकल पार्टीज अंडर सेक्शन 80GGC। तो एक बारी मैं सभी का हाईलाइट दे देता हूँ जो हमने देखा है आज के टॉपिक में। जो डिडक्शन देखी है हमने 80GGC से शुरू की थी। 80GGC के अंदर आप अब ट्रीटमेंट करवा रहे थे, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे थे किसी डिपेंडेंट पर्सन का हुआ विद डिसेबिलिटी। एंड 80GGB के अंदर हमने देखा कि नोटिफाइड डिसीज़ है कोई, उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिडक्शन मिलेगी। एंड 80E के अंदर हमने देखा डिडक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ लोन टेकन इंटरेस्ट विच इज़ पेड ऑन द लोन फॉर एंड लोन टेकन फॉर द हायर स्टडी। हायर स्टडी मीन टू से आफ्टर 10+2 देन डिडक्शन गिवन अंडर सेक्शन 80E। देन हमने देखा था 80EE डिडक्शन गिवन इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन विच इज़ टेकन फॉर द होम और टेकन फॉर द रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्शन पर्पज़ और हाउस पर्पज़। एंड नेक्स्ट हमने देखी थी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGE, दिस डिडक्शन गिवन टू द सेसी फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पज़। नेक्स्ट हमने देखी थी 80GGB, व्हेन एनी पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टीज़। 80GGC देखिए लास्ट में, जिसने देखा है कि इफ़ एनी पेमेंट डोनेट, डोनेशन की है, एनी पेमेंट डोनेट और कॉन्ट्रीब्यूट टू द पोलिटिकल पार्टी बाय एन इंडिविजुअल। और एक हमने 80G देखी थी डिडक्शन, 80G डिडक्शन गिवन फॉर द डोनेशन पर्पस इफ एनी अमाउंट डोनेट इन एनी गवर्नमेंट फंड्स एज वेल एज टू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड नंबर ऑफ फंड्स विच आर टू बी क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो ये सारी हमारे पास इन डिडक्शंस थी। इसमें से मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो आपने याद करनी होगी 80DDD, 80DDB एज वेल एज 80G एंड 80E एंड 80EE। ये जो डिडक्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो इनको थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक डिडक्शंस। थैंक यू फॉर